ठीक है। सो एज आई वाज सेइंग कि कल कल के दिन में गवर्नमेंट ने कुछ एक पीडीएफ रिलीज किया है जिसमें कि 11th के हर चैप्टर से क्या क्या चीजों को एक्सक्लूड किया जा रहा है वो बताया गया है, एंड उसी के अकॉर्डिंग 12th में भी क्या क्या चीजें एक्सक्लूड किया गया है वो बताया है, ठीक है। तो 11th की अगर मैं बात करूं तो 11th के अकॉर्डिंग कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, ओके। 11th के अकॉर्डिंग अभी तक हमने एक्चुअली जो कवर किया उसमें चेंजेस नहीं, बट एक चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि जो अभी हम रिलेशंस कैप्चर करने वाले थे ना, वो रिलेशंस कैप्चर को उन्होंने कंप्लीटली साइड कर दिया, ठीक है, कंप्लीटली साइड कर दिया। बट अगेन फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू, आईआईटी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर एक्सक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ उसके ये अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। जो मतलब क्लास 12th का जो एग्जाम होगा ना आपका अगले साल, उस क्लास 12th के एग्जाम में ये रिलेशंस चैप्टर पे बेस्ड कोई भी चीज नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो लेकिन मेरा सजेशन है गाइस कि रिलेशंस इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, मोर ओवर क्योंकि जेई में वो चीज आएगा, या फिर आप कोई मान लो कोई यहाँ पे एनडीए वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसे जानना जरूरी है। एंड अगर मैं सच बात करूं तो जेई विल टेक हार्डली टू, रिलेशंस विल टेक मैक्सिमम 2 आवर्स। हां आदर्श बोलो। थर्ड ईयर जी कोई कोई चैप्टर एक्सक्लूड नहीं किया है? नहीं, उसके ऐसे कुछ नोटिफिकेशन नहीं, ठीक है, और वो करेगा भी, जहां तक मुझे पता है वो करेगा भी। 30% हुआ है ना? 30% सिद्धांत गवर्नमेंट जैसे नहीं कहता है सब्सिडी अप टू 30%, वैसे इन्होंने भी किया, सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड अप टू 30%। बट क्या किया इन्होंने, कुछ इनसिग्निफिकेंट चीजें थी जिनसे कभी इन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा या जिसको स्किप करके भी हम चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर सकते थे, उन चीजों को हटाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को भी इन्होंने एक्सक्लूड किया है, बट जो चीज मुझे नहीं सही लगी वो ये था कि हर चैप्टर से ना कुछ कुछ चीजें निकाली है, जैसे 10th में प्रोबेबिलिटी है वैसे ही कुछ चैप्टर्स इग्नोर करने वाले। हाँ मतलब देखो मेरे पास फाइल है, मैं एक बार आपके साथ ऐसे नॉर्मल डिस्कशन कर, ठीक है सर, ग्रुप में सेंड करते हैं। हाँ एक काम करता हूँ, मैं साथ ही में ग्रुप में सेंड करता हूँ, आप लोग सबको एक बार अपने फोन में देखो, पहली बार क्लास में कोई बोल रहा होगा सबको अपने फोन में देखो। ग्रुप पे मैंने फाइल हाँ देखिए ग्रुप पे मैंने फाइल शेयर कर दिया, तो जो पहला पेज आया है ना वो पहला पेज ही आपका मैथमेटिकल रीजनिंग पूरा चैप्टर डिलीट हो गया। वो मेरे को किसने पूछा था, एक दो क्लास पहले किसने मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में कुछ पूछा था, हाँ जब मैंने शुरू किया था कि सेट्स आपका सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, हाँ, वो पूछा था कि मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है सर, चलो मैं उसको चैप्टर ही कंप्लीट करने गया था। सो सेट्स में आप देख सकते हो, हाँ बोलिए, लीनियर इक्वेशन लीनियर इनइक्वालिटी से कुछ नहीं हुआ। हाँ जो चीज मैंने मतलब सोच के जिस हिसाब से अप्रोच किया था वो अप्रोच अभी फिलहाल सही चल रहा है। सेट्स में देखो क्या चीज उन्होंने हटाया है, डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब ए माइनस बी होता था ना, जहां पे ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है उसका मतलब वो होता है, तो ए माइनस बी के कॉन्सेप्ट को रिमूव किया गया, एंड कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को रिमूव किया गया। तो कॉम्प्लीमेंट अगर कॉन्सेप्ट को रिमूव कर दिया ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अगर वो वेन डायग्राम बेस पर क्वेश्चन होगा तो बहुत इजी हो जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट को हटाया मतलब कि कहीं ना कहीं उन्होंने डी मॉर्गन्स लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था वो हटाया, तो इससे ये बोल सकते हैं कि सेट्स चैप्टर से अगर आपके फुल एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो टू सेट वेन डायग्राम या थ्री सेट वेन डायग्राम था ना ए यूनियन बी यूनियन सी उसी फॉर्मूला पे बेस करो, क्योंकि अब कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है चार नंबर, छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन को मिला देंगे, दो दो नंबर के क्वेश्चन को मिला के चार नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। शिवम बोलो। वो सब जो लॉ था कम्यूटेटिव लॉ वो सब तो है ना? हाँ वो सब है, अभी देखो कम्यूटेटिव लॉ वगैरह पे वो आपको ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, राइट,
वो सब इतना कुछ नहीं, मतलब वो कुछ नई चीजें नहीं है. कम्यूटेटिव लॉ आपको पता है यहाँ पे कौन सा चीज लगता है कौन सा नहीं लगता, ये वेरिफिकेशन करना. ठीक है सर, बायनोमियल थ्योरम बता दिए हैं. बायनोमियल नहीं, बायनोमियल तो भी बताया नहीं है, ये डिलीट फुल चैप्टर कर दिया. देखो जैसे मैंने बोला था कि जो पीएनसी पढ़ेगा ना उसको इनडायरेक्टली थोड़ा बायनोमियल जानना ही पड़ेगा. तो बस बायनोमियल में क्या होता है, एक बड़ी सीक्वेंस का ना एक्सपेंशन. जैसे मान लीजिए एक्स प्लस, अच्छा बताओ किसे पूछू मैं, रविशंकर, रविशंकर एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए, राइट. अगर मैं आपको पूछू एक्स प्लस थ्री होल टू दी पावर टेन क्या होगा, क्या एक लाइन में लिख पाओगे? वो चीजें हमें बाइनोमियल में सीखने को मिलता है. तो मैं उसको कंप्लीटली स्किप तो नहीं करूंगा गाइस, क्योंकि जेई की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. एंड जब पीएनसी में आपको समझा दूंगा, अगर आपको पीएनसी समझ में आ जाएगा तो बाइनोमियल में, बाइनोमियल को आप ऐसे समझ सकते हो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनसी. सेट्स के कुछ क्वेश्चंस से उस बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व होता है ना. हां, एक जो हमारा एक जो डीएसएस में क्वेश्चन पूछा था 4 टू द पावर n माइनस 3 n माइनस 1 वाला, तो 4 टू द पावर n था ना, उसको 1 प्लस 3 टू द पावर n लिख के उसे एक्सपेंशन किया जाता है. ठीक है, तो इन चीजों को मतलब हम डील करेंगे, उसका टेंशन मत लो, क्योंकि अल्टीमेटली जेई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं गया. तो मान लीजिए अगर आप में से कोई किसको जेई नहीं तैयार करना है तो हम लोग उन्हें डील करेंगे, बट फिलहाल जेई पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड व्हाट इज रिटन इन योर मैथ्स बुक जो एनसीईआरटी में, उससे ज्यादा चीजें हमको चाहिए. टेस्ट में तो सब आएगा ना. हाँ, टेस्ट में तो आएगा. तो ठीक है, तो अभी हम रिलेशंस चैप्टर सीबीएसई ने पूरा रिमूव कर दिया है. सीबीएसई आपके 12th वाले पार्ट में रिलेशंस के ऊपर से कुछ चीज नहीं पूछे, बट ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, तो हम इसे यहाँ पे शुरू करते हैं. ओके, तो गाइस रिलेशंस, जो रिलेशंस का जो स्टार्टिंग है ना, तो फंडामेंटल दैट इज बेस्ड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किया हुआ था क्लास में, याद है सेट स्टॉपिंग में कार्टेशियन प्रोडक्ट किया हुआ है, कोई बताएगा? यश बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है. यशराज कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? यश आपने क्लास अटेंड नहीं किया, इसका मतलब रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो. शिवम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सेट्स का? सर अगर कोई दो सेट है ए और बी, और सेट ए में कोई एलिमेंट है 1 2 और बी में 3 4, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा 1 3 1 4 और 2 3 2 4. सेट ए में एलिमेंट है 1 2, सेट बी में एलिमेंट है 3 4, राइट? यस सर. और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ए इनटू बी से. ए इनटू बी में क्या होता है, सिंपल तरीके से समझिए, ए कॉमा बी के फॉर्म में सारे एलिमेंट्स रहते हैं. ए कॉमा बी में क्या होता है कि जो पहला एलिमेंट होगा, अगर हमने ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, ठीक है, एक काम करता हूँ इसको ए बी की तरह ना एक्स वाई कर देता हूँ ताकि स्मॉल है कैपिटल है तो कंफ्यूजन. तो ए बी में क्या होगा गाइस कि आपको एक्स वाई के फॉर्म के एलिमेंट्स मिलते हैं, और वो एक्स वाई के फॉर्म के एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होते हैं कि जो एक्स एलिमेंट होगा वो ए को बिलोंग करेगा सेट ए को, एंड जो वाई एलिमेंट होगा वो सेट बी को बिलोंग करेगा. तो इस तरीके के जितने भी पेयर्स बनेंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, उन सारे ऑर्डर पेयर का जो सेट होगा उसी को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. सर अगर दोनों सेट में कोई एक एलिमेंट कॉमन हो तो वो भी लिखेंगे, मतलब दोनों एलिमेंट लिखेंगे. हाँ, एक क्वेश्चन भी करेंगे वैसा. ठीक है, तो अब इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है गाइस दैट इज ऑर्डर पेयर. ठीक है, अब ऑर्डर पेयर कुछ इस तरीके से समझ लो यार कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, 2 3 का मतलब क्या होता है,
एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट को प्लॉट करते हो, वाई एक्सिस पे 3 को पॉइंट करते हो, परपेंडिकुलर लगाते हो, जॉइन करते हो, है कि नहीं? तो वही ऑर्डर टर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ही कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्ट कर रहा है, राइट? ऑर्डर टर्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्ट कर रहा है, ये पहली चीज है। अब ये ऑर्डर इसमें जो चीज ध्यान रखना गाइस, कि जैसे x, y लिखा हुआ, तो मेरा क्वेश्चन है x, y एंड y, x क्या ये सेम होंगे? मेरे को अभिषेक बताएगा, अभिषेक x, y एंड y, x क्या ये सेम होंगे? मान लो कि x और y दोनों अलग अलग चीजें हैं, अभिषेक बताइए। आदर्श x, y, x अलग होंगे क्या या सेम होंगे अगर x और y अलग अलग चीजें हैं? सर सर इन टर्म्स ऑफ सेट बात कर रहे हैं? हाँ नो सर, अलग नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, यू आर सेइंग सेम होंगे। ओके सर, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे सर? सेट्स के टर्म में ही बात कर रहे हैं ना? हाँ सेट्स के टर्म, ये दिख रहा है ना, ये x कॉमा y के टर्म्स में बात कर रहा हूँ कि यहाँ का x कॉमा y क्या वो y कॉमा x के बराबर होगा या नहीं होगा? बराबर होगा, बराबर होगा सर। जय माता दी चल रहा है। सिद्धांत बता देते हो क्या होगा यहाँ पे? सर ग्राफिकल नहीं पूछ रहे, मतलब सेट्स के टर्म में तो इक्वल होगा। हाँ, देखो ग्राफिकली नहीं पूछ रहा हूँ, सेट्स के टर्म में पूछ रहा हूँ। तो सर कर्ली ब्रैकेट तो नहीं है? नहीं मतलब जैसे ये ऑर्डर पे यहाँ से उठा है ना x कॉमा y वाला, तो मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ से जो x कॉमा y उठा है क्या वो y कॉमा x के बराबर होगा? यस सर। नो, अभिषेक ने अब रिप्लाई किया, पक्का इसने बुक वगैरह छाना होगा फटाफट और वहां से उसने मिला। देखिए गाइस, एक बार मैं इसके एलिमेंट्स लिखता हूँ, ठीक है? आप ये तो देख रहे हैं ना, a क्रॉस b का मतलब एलिमेंट्स बनेंगे किस टाइप के? x कॉमा y जैसे, जहां पे x पहले सेट को बिलोंग करेगा, y दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, राइट? अब मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। वन कॉमा थ्री, 1.4, 2.3, 2.4। अब आप बताओ जिनको भी जिनका भी आंसर यस था, पार्टीशन प्रोडक्ट में क्या क्या आया? 1.3, 1.4, 2.3, 2.4। क्या 3.1 दिख रहा है? 1.3 तो हमें दिख रहा है, क्या 3.1 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, तो कैसे कह सकते हैं हम लोग की ये दोनों सेम होंगे? अल्टीमेटली क्या चीज आपको आपसे गलती हुई कि यार एक्स जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, वाई जो है वो सेट बी का एलिमेंट है। तो एक्स को वाई में मैंने पहले सेट ए का एलिमेंट लिखा, फिर मैंने सेट बी का एलिमेंट लिखा, और वाई को मैं एक्स में उल्टा हो गया ना ये चीज, वाई को मैं एक्स में उल्टा हो गया। अब यहाँ पे एक्स और वाई मैंने पहले बता दिया कि अलग अलग आइटम है, जैसे कि आई थिंक शिवम में किसी ने पूछा था कि सर अगर दो सेट में सेम आइटम होंगे तो क्या करेंगे, वो बताता हूँ। बट अगर ये दोनों अलग अलग रहेंगे तो उस केस में x, y and y, x will be different to each other. Yes, yes, yes का कहना है कि unordered pair. Yes, ये जो unordered pair है, ये सब हम जो question solve कर रहे थे ना, a plus b is equal to 5, a भी दोनों natural number है, बताओ कितने ordered pairs होंगे या unordered pairs होंगे, वहां पे देखते हैं। बट फिलहाल when it comes to set, जिस तरीके से आप कार्टेशियन जो x, y होता है ना, एक्सिस और ऑर्डिनेट को जिस तरीके से आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को डील करते हो, ऑर्डर पेयर को भी अपने दिमाग में कुछ वैसे ही समझना। x, y लिखा हुआ है, a क्रॉस b लिखा हुआ है, और यहाँ x, y है, तो समझ जाना कि इसका पहला एलिमेंट ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला सेट से आया होगा, और इसके बाद दूसरा एलिमेंट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के दूसरे सेट से आया होगा। बोलो क्लियर है चीज, कोई डाउट किसी को? नो सर, सर y इज नॉट इक्वल टू होगा। यस, दिस इज अल्टीमेटली नॉट इक्वल, ठीक है? अब देखिए ये हो गया ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट। ये क्यों बताया मैंने वापस से, क्योंकि ऑर्डर पेयर में कितने चीजें हैं? दो चीजें हैं ना, राइट? ऑर्डर पेयर में दो चीजें, हम क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं अभी? हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन। अब बताइए आप,
आप कभी भी रिलेशन डिफाइन करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी चीजों को रिलेट करते हैं, तो कम से कम कितना चीज होना चाहिए वहां पे? दो। दो चीज होना चाहिए कि नहीं? बोलते ना कि हाँ विराट कोहली इज मैरिड टू अनुष्का शर्मा, मैथ्स इज नॉट रिलेटेड टू मी, ठीक है? मैथमेटिकली हम बोलेंगे कि लेट्स से एक नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर होगा, एग्जांपल लेट्स से 8 लेटर है यहाँ पे, 8 इज ग्रेटर देन 6, राइट? कोई भी हम मैथमेट, हाँ बोलो बोलो सिद्धांत, बोल रहे थे कुछ? नो सर कुछ नहीं। अच्छा, तो कोई भी चीज, ठीक है, जब हम रिलेट करना चाहते हैं ना, तो मिनिमम दो चीजों का वहां पे यूज हो ही जाता है। यश का कहना है पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी इवन माइन, ठीक है, आई जस्ट डोंट लाइक पॉलिटिक्स। तो जब भी रिलेशन की बात की जाएगी स्पेशली मैथ्स में, तो देयर विल बी एटलीस्ट टू, मतलब टू क्वांटिटीज, दो चीजों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे रिलेशन है, तो गाइस रिलेशन ना इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस, मतलब कि मैथ्स में अगर आपको दो चीजों के बीच का रिलेशन उठा है, तो डेफिनेट सी बात है वो दो सेट में से रिलेशन डिफाइन करेंगे। एक सेट उठाया उसके कुछ नंबर है, दूसरा सेट आया है उसके कुछ नंबर है, ठीक है? तो आर जो हमारा रिलेशन है दैट विल बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है? अब ये सिंबल तो आपको पता होगा सबसेट। अब देखिए आर में क्या होता है, आर हम डिनोट कर रहे हैं रिलेशन के लिए, ठीक है? प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस विद रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के साथ बिल्कुल भी इसको कंफ्यूज आप नहीं करोगे। आर क्या होगा, इसके अंदर भी एलिमेंट होंगे, इसके अंदर भी एलिमेंट होंगे एक्स कॉमा वाई जैसे, ठीक है? जहां पे एक्स जो होगा वो ए से बिलोंग करेगा, वाई जो होगा, सर बोलो सर एक बार रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क इशू था। रिलेशन, रिलेशन इज बेसिकली दो चीजों के बीच हम लोग कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे ना, मैथमेटिकली बात करते, ठीक है? ये सब नहीं सोच रहा है कि हाँ ये इसका भाई होगा, ये इसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा, ये इधर जा रहा है उधर जा रहा है, वो लोग कुछ नहीं। मैथमेटिकली अगर देखेंगे तो क्या रहेगा, मैथमेटिकली हम दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे या दो शेप्स को कंपेयर करेंगे, राइट? यहाँ हम देखेंगे अच्छा मेरे पास 1 आया है तो मैं क्यूब कर दूं, स्क्वायर कर दूं, मेरे पास 10 आया है मैं मल्टीपल्स निकालना शुरू कर दूं, लाइक वाइज, ठीक है? सो रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, क्योंकि हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तो एक सेट में एलिमेंट होंगे, दूसरे सेट में एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स के जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, बहुत सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कोई पर्टिकुलर रूल के साथ रिलेट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो हो सकता है उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर दिए जाए और कुछ सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग वो मतलब एक रिलेशन बना दिया जाए। जैसे एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब ए क्रॉस बी में आपको पता है कि ऑर्डर पेयर आते हैं, और जैसे मैंने बताया कि रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, तो अगर वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट है तो फिर उसके अंदर भी क्या आने वाला है, उसके अंदर भी ऑर्डर पेयर ही आने वाले एक्स कॉमा वाई, ठीक है? जिसमें एक्स होगा पहला सेट का, वाई होगा दूसरे सेट का, एंड एक्स जो होगा वो वाई के साथ रिलेटेड होगा, एक्स जो होगा वाई के साथ, देखो आर लिखा है ना कैपिटल आर, ये कैपिटल आर कुछ एक रिलेशन हो सकता है, ठीक है? कोई एक रिलेशन हो सकता है, स्क्वायरिंग हो सकता है, क्यूबिंग हो वगैरह, ठीक है? तो ये इस तरीके से एक रिलेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा। क्या ये चीज समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट किसी को बताइए, बाकी लोग एक बार चैट बॉक्स में बता दो क्या अभी तक इतना चीज क्लियर हुआ है कि अच्छा रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट, ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सेट्स में पड़ा हुआ था, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर पेयर आता है तो रिलेशन में भी ऑर्डर पेयर होगा, पहला एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के दूसरे सेट से आएगा, और ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन भी फॉलो कर रहे होंगे। आई होप ये पार्ट अभी क्लियर चल रहा होगा, ठीक है? किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है? नेक्स्ट, अच्छा एक जैसे कि आई थिंक जिसने भी पूछा था, मान लीजिए मैं एक सिंपल सा सेट लिखता हूँ 2 5 7,
तीन एलिमेंट ही लिख देते हैं, दो लिख लिख के छोटा हो जाता है थोड़ा। आप ए क्रॉस ए निकालो, सबको लिखो ए क्रॉस ए निकालो। ओके, सो आई कैन सी लोगों के रिप्लाई आने लग गए हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया, एकदम प्लेन एंड सिंपल है। जिसको भी डाउट हो रहा था कि अगर सेम चीज रिपीट हो रही है तो क्या करेंगे, तो देखिए अप्रोच आपका एकदम क्लियर रहना चाहिए। डिजिट 257 मानते हैं, यहाँ पे भी 257। अब जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो 1, 2, 3, सिमिलरली 1, 2, 3 और इसके लिए भी 3 आएंगे। ठीक है, 1, 2, 3, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अगर मैं लिखना शुरू करूंगा तो 2, 2, 2, 5, 2, 7, सिमिलरली 3, 2, 5, 5, 7, 7, 2, 7, 5, 7, 7। ये चीजें यहाँ पे होंगी, राइट। तो जिसको भी डाउट हो रहा था कि अगर हमें सेम एलिमेंट देखने को मिलेगा तो उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, वो क्लियर हो गए। रवि कुछ बोलना चाहते हो, नहीं बोलना तो अनम्यूट कर लो, आवाज आ रही है थोड़ी सी। ओके, चलिए गाइस यहां आ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको रिलेशन का डेफिनेशन बता दिया कि इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स रहते हैं, तो रिलेशन के अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगे। इसमें पहला एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के दूसरे सेट से आएगा, और ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे कोई एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल रूल के साथ, कोई एक मैथमेटिकल रूल के साथ। मैथ्स की अगर चीज है ये तो एक नॉर्मल रूल भी हो सकता है, जनरल रूल। ठीक है, पार्टीशन प्रोडक्ट में मैंने कभी नहीं बोला था कि x और y एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहेंगे, लेकिन रिलेशन में वही चीज एक एक्स्ट्रा आ जाता है कि वो दोनों रिलेटेड होंगे। जैसे यहाँ देखिए, a दिख रहा है 1, 2, 3, b दिख रहा है 1, 8, 7, 27। अब आपको पता है कि a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 3, 9 एलिमेंट आ जाते हैं। ओके, तो a क्रॉस b के अंदर आपको टोटल 9 एलिमेंट्स मिलते हैं, राइट। लेकिन देखो मैंने रिलेशन में कितने एलिमेंट्स लिखे हैं, मैंने रिलेशन में लिखे 3 एलिमेंट, 1, 1 इसको इसके साथ रिलेट किया, 2, 8 इसको इसके साथ रिलेट किया, 3, 27 इसे इसके साथ रिलेट किया। तो अल्टीमेटली जो चीज यहाँ पे जानने का एक इम्पोर्टेंट है वो ये कि अच्छा a क्रॉस b में तो 9 एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे 9 एलिमेंट बने, लेकिन सर ने रिलेशन में 3 ही एलिमेंट लिखा, तो ये क्या सेटिस्फाई कर गया, ये सेटिस्फाई कर गया कि r जो है वो a क्रॉस b से कुछ एलिमेंट को उठा के बनाया गया, पहली चीज। दूसरा, पहला एलिमेंट a से दूसरा एलिमेंट b से वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे मैंने बता दिया। एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, x और y एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे। किस रूल से आपको ये रिलेटेड लग रहा है, कोई बता सकता है? आकाश, किस रूल से ये रिलेटेड लग रहे हैं, मतलब
इसके अंदर के दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ किससे रिलेटेड है, क्या रूल से रिलेटेड है, यहाँ किस रूल से रिलेटेड है, यहाँ किस रूल से रिलेटेड है। वेरी गुड यश। आकाश क्या लग रहा है? वेरी गुड आलोक। आकाश आई थिंक सुनाई नहीं दे रहा आपको, आप क्लियरली दिख रहा है कि सेकेंड एलिमेंट इज द क्यूब ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज द क्यूब ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट इज द क्यूब ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा गाइस, तो मैं लिखूंगा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, ये लिखेंगे एक्स आर एक्स कैपिटल आर वाई, एक्स वाई के साथ कैसे रिलेटेड है, इस तरीके से रिलेटेड है कि y जो होगा वो x का क्यूब होगा, ठीक है, y जो होगा वो x का क्यूब होगा। क्या चीज ये क्लियर है, मतलब समझ रहे हो ना क्या डिफरेंस है कार्टेशियन प्रोडक्ट में और रिलेशन में, क्या डिफरेंस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इट इज अ सबसेट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट जो पेयर बनते हैं उन पेयर के दो एलिमेंट्स अपने साथ किस ऑर्डर से या किस रूल से रिलेटेड है हमें नहीं पता होता, हमें जानने की जरूरत नहीं होती, लेकिन रिलेशन में वो किस रूल से रिलेटेड है ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ केसेस में वो पहले ही बता देंगे, कुछ केसेस में आपको खुद पहचानना पड़ेगा, ठीक है, खुद पहचानना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको ना यहाँ पे कुछ ऐसे जब बुक खोलोगे तो इस तरीके के सिंबल देखने को मिलेंगे, आर डॉट डॉट डबल इनवर्टेड कॉलन, ठीक है, क्लियरली दिखने का होगा स्क्रीन पे, फिर ए एरो देके बी, इसका मतलब क्या रहता है गाइस, इसका मतलब आपको जानना है सिंपल सा, ठीक है, कि ये एक रिलेशन है, देयर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो ये ना लिखने का तरीका होता है, समझ रहे हो कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इतना चीज मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिंपल सा ये छोटा सा शेप लिखूंगा, इसमें आर लिखूंगा, डबल इनवर्टेड कॉलम देख के फिर ए एरो देके बी लिखूंगा, इससे ये पता चलेगा कि ए के एलिमेंट बी के साथ रिलेटेड है, ठीक है, ए के एलिमेंट बी के साथ रिलेटेड है, बस इतना। फिर एकदम मतलब कुछ और ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। आदर्श कल सर आर रेशियो ए, हाँ बोलिए, एक बार रवि मेरे को आवाज नहीं आई, फिर से बोला सर, आर रेशियो ए बोल सकते हैं सर, आर रेशियो ए बोल सकते हैं उसको, नहीं 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 नहीं, देखो वो क्या होता है कि जैसे हम 2 इसको 3 लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 by 3 बोलते हैं मैथ्स में, बट यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन इज सिंपली सेइंग दैट ए जो है वो रिलेटेड है बी के साथ, ठीक है, बस इतना, ए जो है वो बी के साथ कोई एक रूल से रिलेटेड होगा, वही रूल आर है, ठीक है, तो रेशियो मत बोल देना। अब गाइस इसी में आता है डोमेन रेंज, डोमेन रेंज फंक्शन चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैंने इनइक्वालिटी में भी बताया था डोमेन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो अभी देखते हैं डोमेन रेंज क्या होगा। तो गाइस कोई भी, जैसे मैंने बताया कि कोई भी जो रिलेशन होगा उसके अंदर कैसे फॉर्म में एलिमेंट होगा, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होगा, जहां पे एक्स जो है वो कोई पहला सेट है ए, वाई मान लीजिए दूसरा सेट बी से बिलोंग करेगा, ठीक है, अगर एक रिलेशन है ए से बी, एक रिलेशन दिया हुआ है ए से बी पे, तो उसके अंदर आपको इस तरीके के एलिमेंट मिलेंगे। अब आपसे ना एक बेसिक सा सवाल पूछा जा सकता है कि डोमेन इसमें क्या होगा, तो गाइस डोमेन आप सिंपल सा बोलोगे, डोमेन हो जाएगा यहाँ पे सेट ए, सेट ए नहीं बेसिकली, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब ये जो बनेगा ना इसमें से जितने भी ऑर्डर पेयर में जो पहला आइटम होगा, पहला दैट विल बी, एक मिनट रुक जाना गाइस,
जस्ट 2 सेकंड के लिए म्यूट करा। सर सर हाँ, बोलो। पिछले एग्जांपल में सर ए बी से कैसे रिलेट था सर, नहीं समझ में आया था इसमें। कुछ दिख रहा है क्या स्क्वायर क्यूब? यस सर, कि ए वाले को सर एक्स के जगह रखा गया, बी को वाई के जगह। हाँ, और साथ ही साथ आप देखो कि ए क्रॉस बी में क्या ये सिर्फ तीन एलिमेंट आते हैं। A क्रॉस B में क्या ये तीन एलिमेंट आती है, एक से ज्यादा आते हैं क्या सर? A क्रॉस B अगर हम करते हैं, A सेट के अंदर एलिमेंट दिख रहा है, B सेट के अंदर एलिमेंट दिख रहा है, अगर हम A क्रॉस B करते हैं तो क्या हमको तीन एलिमेंट दिखते हैं या तीन से ज्यादा एलिमेंट दिखते हैं A क्रॉस B के अंदर? पार्टीशन तीन से ज्यादा दिखता है सर। जैसे ये एक एग्जांपल दिख रहा है ना, A सेट के अंदर 257 इसके अंदर तीन एलिमेंट है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने किसके साथ किया था? किसी के साथ किया था, एक क्रॉस। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने आए थे? 9 आए थे कि नहीं? वो मैंने सारे लिखे नहीं बट बना के दिखाया था आपको। अब उस 9 में से हमने सारे 9 के 9 एलिमेंट नहीं लिखे, हमने सिर्फ उसमें से 3 एलिमेंट लिखा। और 3 एलिमेंट लिखने के बाद मैंने बोला कि यार ये जो 3 एलिमेंट लिखे ना, सबके सब एक रिलेशन से जुड़े हुए हैं। और वो रिलेशन क्या है कि जो दूसरा एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर में वो पहले एलिमेंट का क्यूब है। जो दूसरा एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में वो पहले एलिमेंट का क्यूब है। आया समझ में? और इसी रूल से वो सिंपल रिलेटेड है, ठीक है? हाँ, थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, डरने की बात एकदम नहीं है। तो जैसे मैं बता रहा था कि R के अंदर x कॉमा y जैसे एलिमेंट होंगे जहां पे x A सेट में बिलोंग करेगा, y B सेट में बिलोंग करेगा। तो डोमेन हो जाएगा उस ऑर्डर पेयर के सारे जो पहले एलिमेंट होंगे ना, और जितने भी ऑर्डर पेयर बने रिलेशन के अंदर, उस ऑर्डर पेयर के में जो पहला एलिमेंट होगा वो सारे पहले एलिमेंट का जो सेट होगा दैट इज डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगा? ऑल द वैल्यूज ऑफ वाई इन आर, इस रिलेशन में जितने भी वाई वाले वैल्यूज होंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर का जो सेकंड वैल्यू होगा वो सेकंड वैल्यू को हम बोलेंगे रेंज। बस इतना, और इसके आगे इसमें कुछ जानने की जरूरत। सर रेंज एक बार और बता दीजिए ना। वीडियो पॉज हो गया सर, वीडियो पॉज। हेलो
सेट मार्क के ना हेलो रिकॉर्ड हो रहा है सर रिकॉर्डिंग ऑन रह गया था अच्छा ठीक है वो एक्चुअली क्लाउड रिकॉर्डिंग ऑन कर रखा है क्योंकि आज मुझे लग रहा था इंटरनेट इश्यू करेगा ओके सर एक रेंज बता दीजिए ना डोमेन नेम ना ये देखो रिलेशन के अंदर सारे एलिमेंट होंगे तरुण तिवारी मैथ पढ़ाते हैं अरे तरुण तिवारी नहीं हूं शांति दे अभी यहां ध्यान दो ठीक है x y जितने भी आपको रिलेशन के अंदर ऑर्डर एलिमेंट्स मिलेंगे उसमें पहला एलिमेंट होगा एक दूसरा एलिमेंट होगा राइट कॉमा से सेपरेटेड होंगे तो उसमें जितने भी पहले एलिमेंट जितने भी होंगे ना रिलेशन के अंदर वो सारे पहले एलिमेंट का जो सेट होगा उसको हम बोलेंगे डोमेन और जितने भी दूसरे एलिमेंट का जो सेट होगा उसको हम बोलेंगे रेंज ठीक है जैसे कि ये भी एग्जाम्पल था ये वाला का एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में ये 1.1 2.8 3.20 एक रिलेशन है रिलेशन के अंदर तीन एलिमेंट है इस तीन एलिमेंट में कहने के लिए 1, 2 और 3 हमारा डोमेन हो जाएगा और 1, 8, 20 जो दूसरा रेंज वो रेंज ठीक है आया समझ में कोई डाउट नो सर समझ में आ गया तो देखिए एक क्वेश्चन लिख रहा था मैं जब नेट चला गया था एक रिलेशन डिफाइन किया गया x कॉमा वाई के फॉर्म में जहां पे x y दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं और रिलेशन ये दिया है कि y जो है वो x स्क्वायर प्लस 3 है और x जो है वो 0 से 5 के बीच में लाई करना है तो आपको तीन चीजें बतानी है पहला रिलेशन के सारे एलिमेंट्स लिखिए दूसरा डोमेन बताइए और तीसरा रेंज फटाफट एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ज्यादा टाइम नहीं लगना ओके सो यश का आंसर आ चुका है अनंत का आंसर आ चुका है अनंत गलत है गलती है देखो क्या गलती की हो अच्छा जिन लोगों ने सेशन को अभी ज्वाइन किया है आप लोगों को सिंपल ये चीज बतानी है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो हमारा सिलेबस है उसमें उन्होंने रिलेशंस चैप्टर को पूरा हटा दिया ठीक है रिलेशन सर वॉइस नहीं आ रहा हां हेलो हां तो मैं बोल रहा था कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा जो लोगों ने सेशन को अभी ज्वाइन किया है
सिद्धांत एक्चुअली गलती से मुझे लगा ना वो दूसरा बंदा है अमन कुमार जो था, क्योंकि उसने पहले भी आपके नाम पे ज्वाइन किया हुआ था। डोंट वरी, एक बार वीडियो देखना नहीं होगा तो मैं आपके लिए अलग से एक सेशन रखूंगा, ठीक है। सो गाइस, जो चैप्टर है रिलेशंस, ये एनसीईआरटी ने हटा दिया, बिल्कुल पूरा हटा दिया, ठीक है। तो जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, आप 11th में हो, तो 12th में, ठीक है, 12th में आप ऐसा हो जाएगा कि कोई भी चीज आपको रिलेशंस के ऊपर नहीं पूछी जाएगी, बट अगेन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको जानना जरूरी है, और इतना कुछ मुश्किल टॉपिक है नहीं। दो क्लासेस लगेंगे मैक्सिमम, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तीन क्लासेस, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट आज ही के क्लास में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ रिलेशन बचता है, इनवर्स ऑफ रिलेशन बचेगा, सर कुछ ज्यादा ही छोटा चैप्टर है क्या? हाँ, क्वेश्चंस करो बस, क्वेश्चंस भी आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चंस है इसमें। अगेन ये चैप्टर इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बट इसकी चीजों को, जैसे लिखने का तरीका है ना आर को, इसको लिखने का ये चीज को यूज किया जाता है वो दूसरे चैप्टर्स में। दूसरे चैप्टर में ये क्या करेंगे, ये देखो मैं सिंपल सा इक्वेशन लिखाऊं, ये इसमें पीएनसी लगा देंगे, या फिर इसमें आपसे आगे स्ट्रेट लाइन आएगा, कॉनिक सेक्शन आएगा, उसके कॉन्सेप्ट को लगा देंगे, और वहां पे फिर ये इसका बस नोटेशन यूज किया जाता है और क्वेश्चन उस पे बेस्ड होता है। आप समझ सकते हो कि ये क्या क्वेश्चन जे में पूछा जाएगा कि बताओ x x और y ये दोनों नेचुरल नंबर है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 41 है, गो बाय मेथड बताइए। ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी अ क्वेश्चन इन जे, राइट। एक क्वेश्चन जो आया था जे में 2016-17 में या 18 में, वो एक करूंगा। क्या डन है, डिस्कस करें सॉल्यूशन इसका? I can see almost सबने सॉल्व कर ही लिया होगा। सिद्धांत अब अगले सेशन के बिल्कुल ज्वाइन कर पाओगे पीसीसी, ओके? चलो देखो ये सिंपल क्या था, यहाँ पे x का वैल्यू 0 से 5 के बीच में है, लेकिन 0 के बराबर भी नहीं है, 5 के बराबर भी नहीं है, और साथ ही साथ बता दिया कि x और y दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में क्लियर कट आना चाहिए कि अच्छा अगर ये बात है तो x का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि x नेचुरल नंबर है और 0 से 5 के बीच में बिलोंग कर रहा है। अब इसके हिसाब से देखो मैं y की वैल्यू देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 3 4, 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7, 3 पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12, एंड लास्टली 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 19। तो हमारे जो ऑर्डर पेयर बनेंगे गाइस वो बनेगा 1, 4, 2.7, 3.12 एंड 4.19, जिसमें के जो पहला एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, ये हमारा डोमेन हो जाएगा, और 4, 17, 12, 19 ये हमारा रेंज हो जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ये चैट पे पूछ लो, मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हो आप कि 13 हो जाता है तो दोस्तों को नहीं दिखता अच्छे से, सर सही था कोई नहीं, अभी आई थिंक थोड़ा बेटर हो गया। चलो तो अगेन जो चीज यहाँ किया सेम चीज यहाँ पे भी करनी है, उन्होंने बस आपको आर नहीं पूछा, डोमेन रेंज निकालने के लिए पूछा। तो क्या किसी ने सॉल्व किया है? राशि, सलोनी, शिवम, सिद्धांत, आदर्श, आप लोगों ने सॉल्व किया बताओ एक बार चैट बॉक्स में। नहीं दिख रहा है सिद्धांत, दिख रहा है, आई एम सॉरी, अगली बार से नहीं होगा। चलो तो मैं बता देता हूं फटाफट आप क्या रख सकते थे यहाँ पे अप्रोच। y को वहां भेजते हैं तो 5x is equal to 41 minus y होगा, उसके बाद x यहां पे रखे तो यहां क्या आ गया 41 minus y divided by 5, right? अब यहां पे क्या क्या चीजें आपको पता है, हमें पता है कि x भी हमारा नेचुरल, y भी हमारा नेचुरल,
अब देखो मैंने क्या किया, मैंने उस चीज को यूज कैसे करूंगा समझो, मैंने किया कि क्वेश्चन में मैंने इसको इस तरीके से डिवीजन के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, ताकि अब मैं वाई के बहुत सारे वैल्यूज नहीं रखूंगा, मैं वाई के वो ही वैल्यूज रख सकता हूँ जो 41 से सब्ट्रैक्ट होके एक 5 का मल्टीपल आएगा। जैसे मान लो कि आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या मैं यहाँ पे वाई का वैल्यू 2 रख सकता हूँ, तो आपका आंसर वहां पे हो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 रखेंगे तो 41 माइनस 2 हो जाएगा 39 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, जो भी होगा एक नेचुरल नंबर नहीं होने वाला। सर अब हाँ बोलो। बट वैसे 40 केसेस बन जाएंगे ना? नहीं बनेंगे 40 केसेस। आप समझो क्वेश्चन यहाँ दिया ही इस तरीके से है कि x और y दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करें, तो इस एक्सप्रेशन में आदर्श y की हम वही वैल्यू रखेंगे जिसके कारण 41 माइनस y डिवाइडेड बाय 5 भी एक नेचुरल नंबर है। यस यस डिवाइडेड बाय 5 भी देखा था। ठीक है, तो अब बताओ शुरुआत करेंगे, y का वैल्यू 1 रख सकते हैं है कि नहीं, y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 41 माइनस 48। लेकिन क्या यही इकलौता आंसर होगा? जैसे मैं देख सकता हूँ आनंद ने एक आंसर है, बट आनंद इसके अंदर क्या सिर्फ एक एलिमेंट होगा? एक एलिमेंट नहीं होने वाला, इसके अंदर और भी एलिमेंट होंगे। अगला क्या होगा? अब देखो 2 रखोगे, 2 रखो मतलब एक बार मैं बता देता हूँ, 2 रखो 39 बनेगा, 3 रखो 38 बनेगा, 4 रखो 37 बनेगा, 5 रखो 36 बनेगा, एंड 6 रखोगे तो बन गए 35। और 6 रखने के बाद 41 माइनस 6 35 और 35 डिवाइड बाई 5 बन गया 7। तो अब ये y का वैल्यू यहाँ पे हमारा बना 6। पॉइंट में आंसर नहीं आ सकता? आ सकता था अगर आपको ये कंडीशन नहीं दिया हुआ होता। दिख रहा है कंडीशन? यस सर समझ। क्वेश्चन ने आपको दिया ही ये कंडीशन इसलिए ताकि कंडीशन को यूज करो और केसेस को कम करो। और सर हर जगह रिलेशन लिखना जरूरी नहीं ना है? मतलब क्या रिलेशन है x और y का? हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ये लिया और सीधा पुटिंग का वैल्यू। अब देखो एक पहली चीज बोर्ड में तो आने वाला है नहीं, राइट, तो राइटिंग का टेंशन खत्म। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो अपन क्या करेंगे, मन में सोचेंगे इसको फटाफट बनाया y equal to 1 x का वैल्यू 8, y equal to 6 x का वैल्यू 7। अब देखो दिख रहा है कितने से गैप आया, जब आपने 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, काम नहीं बना, लेकिन 6 रखा तो काम बन गया। कितने का गैप है यहाँ पे, कितने का गैप है? 5 का। देखो किससे डिवाइड हो रहा था, 5 का। मैं सीधा कह सकता हूँ कि अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 11, क्योंकि यहाँ पे 1 रखा है तब ऊपर जाके 5 का मल्टीपल बना, 6 रखा है तो 5 का मल्टीपल बना, तो 1 से 6 5 का गैप आया, तो अब 6 के बाद भी अगला 5 का गैप रखोगे तो क्या आएगा, 11। तो 11 रखेंगे तो ऊपर आगे बनेगा 41 माइनस 11 जो कि हो जाएगा 30। 30 जो है वो 5 से डिवाइड होता है। दिख रहा है ना प्रॉपर ऑर्डर चल रहा है, ये 5-5 से बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, 1-1 से घट रहा है। क्या मैं इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए बाकी वैल्यूज फटाफट लिख सकता हूँ? इसका रिलेशन लिखे ना, रिलेशन तो दिया हुआ है। ये देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है ऑर्डर्ड पेयर में दोनों एलिमेंट एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, बस। तो यहाँ लिखा है कि जो x और y होगा उसमें x और y किस तरीके से रिलेटेड होगा कि 5x plus y जो होगा वो 41 होगा और उसमें x और y दोनों नेचुरल नंबर होंगे। कहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ रिलेशन बताना हो और ये दिया रहे? हाँ, जैसे मैंने 1,1, 2,8 और 3,27 लिखा था, वैसे आसान से क्वेश्चन आएंगे। और अगर चलो एक क्वेश्चन वो भी कराऊंगा मैं जहाँ पे मान लो थोड़े से मुश्किल दे दूंगा, दूसरा एलिमेंट और पहले एलिमेंट कुछ एक वो करके हम उसे भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? बट अभी फिलहाल तो वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे 90% केसेस में जहाँ पे रिलेशन पहले से दिए हुए, ठीक है? क्लियर है चीज? तो देखो गाइस ये लिखने के साथ साथ आप लोगों को ना मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो ऑर्डर दिखना चाहिए। अच्छा ये कैसे कैसे बढ़ रहा है, 5-5 से बढ़ रहा है और ये क्या हो रहा है, 1-1 से घट रहा है। तो अगर मैं इस ऑर्डर को फॉलो करूं तो देखो क्या होगा, अगला x का वैल्यू आएगा 5, 4, 3, 2, 1, 1 से नीचे आएगा 0, वो हम रख नहीं सकते क्योंकि फिर वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। और ये कितना गए हम आगे, 5 गए, तो हम इधर भी 5 वैल्यू और बढ़ाते हैं, 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 1 से लेंगे 36 ये सारी वैल्यूज,
और 1 से लेके 8 सर जीरो नहीं रख सकते हैं तो माइनस में वैल्यू रख सकते हैं नहीं जीरो नहीं रखोगे देखो नेचुरल नंबर है आप यहां पे 41 रखते हैं ठीक है मान लो आपने y का जगह पे 41 रखा तो 41 माइनस 41 कितना हो गया जीरो और जीरो डिवाइडेड बाय 5 भी जीरो होगा तो आपने y तो रखा नेचुरल नंबर लेकिन उसके कारण क्या x नेचुरल नंबर आया नहीं आया हमको x और y दोनों को नेचुरल नंबर रखना है इसीलिए यहां पे हम अगर y का वैल्यू 41 रखते x जीरो आता y नेचुरल नंबर आ गया लेकिन हमारा x नेचुरल नंबर नहीं है और इसीलिए हम आगे प्रोसीड ही नहीं किए जब हमारा अगले वैल्यू का ब्रेक आ गया तो उसके आगे नेगेटिव वैल्यूज रख के क्या फायदा होगा अब अगर आप 41 से बड़ा रखोगे मान लो आप यहां पे रखते हो 42 तो 41 माइनस 42 ऊपर तो नेगेटिव हो गया और नेगेटिव डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो भी नेगेटिव होगा तो क्या वो नेचुरल नंबर रहेगा नहीं रहेगा आ रही बात समझ में यस सर बाकी लोग चैट में कोई बता नहीं रहा कुछ सर चैट तरुण तिवारी सर का है देखो आशीष लिखा हुआ है ठीक है अब चेंज हो गया यस ये देखो अभी फिर हमारा इन्वर्टर बीप कर रहा है ओके तो एक मिनट तो ये हमारा हो गया क्या क्या चीजें अभी तक हमने डिस्कस की कि ऑर्डर पेयर क्या होता है पार्टीशन प्रोडक्ट क्या होता है पार्टीशन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर पेयर बेसिकली सेट्स का पार्ट था जो हमने एक बार रिवाइज किया श्योर श्योर सिद्धांत मैं क्लास के बाद रिकॉर्डिंग अपलोड करके शेयर करूंगी ठीक है कल वाली भी रिकॉर्डिंग पेंडिंग है वो भी हो जाएगी फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि रिलेशंस को लिखते कैसे हैं फिर डोमेन क्या होता है रेंज क्या होता है और उसके बेस पे क्वेश्चंस के बहुत इजी चल रहा है आई होप अभी तक किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं हुई ठीक है इजी पार्ट है बहुत इजी पार्ट है आगे बढ़ते हैं फिर गाइस अब दो चीजें बच गई हैं बेसिकली एक बच गया है नंबर ऑफ रिलेशंस एन ए क्रॉस बी नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए क्रॉस बी अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा याद है हम यश मैथ्स हार्ड उनको लगता है जिन्होंने माइंड में फिट कर लिया इन चीज को ठीक है अगर आपको ये पार्ट हार्ड लग रहा है इसका मतलब आप कर ऐसे भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपल सा डेफिनेशन पूछा था मैथ्स गाइड उन्हीं को इजी लगेगा जो क्लास को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं मान लीजिए फॉर एनी रीजन यू वेर अनेबल टू अटेंड टुडेस क्लास तो उस केस में यू नीड टू मेक श्योर दैट बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास यू आर वेल प्रिपेयर्ड विद व्हाट हैज बीन टॉट राइट जो भी हम लोग पढ़ा चुके हैं वो आपको पता होना चाहिए खुद भी आपको पढ़ना पड़ेगा मान लो आपने मेरी क्लास की डेढ़ घंटे की सवा घंटे की और उसके बाद आप घर पर पढ़ाई नहीं कर रहे हो सवा घंटे की क्लास मेरी की घर पे आपको कम से कम दो ढाई घंटे तो अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे ना तब जाके आप सारी चीजों को अच्छे से कवर कर पाओगे क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आपको अगली क्लास ना बहुत ज्यादा रिलेटेड लगेगी बट अगर किसी ने मान लो चैप्टर ही नहीं किया या किया है ढंग से नहीं किया उसके लिए तो रिलेशन बहुत मुश्किल लग रहा होगा जबकि जितनों ने भी सेट्स की थोड़ी सी भी अच्छी सी तैयारी की है आई डोंट थिंक उनको रिलेशन में कुछ ज्यादा नया चीज मिल रहा होगा एक्सेप्ट डोमेन रेंज ये जो दो नए टर्म मैंने इंट्रोड्यूस किए इसके अलावा कोई भी चीज नया नहीं चला हुआ राइट द रिलेशन तो सेट से भी इजी लग रहा है इसीलिए इसीलिए पीवीजी ने आपकी बात पहले ही सुनी थी और काट डाला ओके सो अच्छा नंबर ऑफ सबसेट्स पे अगर आपको याद होगा कि ए के अंदर अगर p नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कोई एक सेट के अंदर p नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो कितने सबसेट बनते थे उसके कितने सबसेट बनते थे
बताओ आनंद, चैट में बता दो। वेरी गुड, यस सर, बता दिया। 2 टू द पावर p बन गए, राइट। सिंपल सा आपको लॉजिक बताया था, बेसिकली आया है कहीं ना कहीं PNC से। अब इसे इसको यहां पे यूज करते गाइस, लिफ्ट करना, ठीक है। क्या लिखा है मैंने हेडलाइन, नंबर ऑफ रिलेशंस इन a क्रॉस b जो बनेगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा सेट्स का, उसके अंदर कितने हमारे सबसेट्स होने वाले। तो उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि यार अच्छा ये पूछा गया है, तो पहले देखते हैं कि a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो a क्रॉस b के अंदर उतने एलिमेंट होंगे जितना a का होगा, a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे na is equal to p, nb is equal to q, मतलब a सेट के अंदर p एलिमेंट है, b सेट के अंदर q एलिमेंट है, तो ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा p into q। और अगर ये p into q हो गया और मैं आपको पूछ रहा हूं कि अब बताओ सबसेट कितना होगा a क्रॉस b का, अब आपको पता है कि a क्रॉस b तो यार एक सेट है और उस सेट के अंदर p q नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अच्छा देखिए, नहीं नहीं PQ number of elements है। तो अगर इस सेट के अंदर PQ number of elements है, तो उसके सबसेट में कितने होंगे? यश का आंसर आ चुका है, कितने एलिमेंट होंगे? रविशंकर, देन आर्सलन, आर्सलन बताओ यार, कल बात हुई थी आपसे, आज आपको आंसर करना पड़ेगा। बाकी लोग आर्सलन को थोड़ा मोटिवेट करो, बहुत शर्माता है। आर्सलन, आर्सलन, हाँ आर्सलन बताओ, जानने से गलती हो गया यार। आर्सलन कोशिश करो, जो भी दिमाग में आ रहा है बोलो। A क्रॉस B सेट के अंदर PQ नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ए इसके कितने सबसेट बनेंगे? क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको कि अगर हमारे पास सिंपल जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, सेट A में अगर X नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, अगर एक सेट में X नंबर ऑफ एलिमेंट होता है तो कितने सबसेट बनते हैं? वो बनते हैं 2 टू द पावर X, इतने सबसेट हमारे बनते हैं। तो अगर a क्रॉस b में pq नंबर ऑफ एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे? ab का पावर pq। अच्छा जी, आदर्श का नाम आर्सलन हो गया, आर्सलन ने वैसे आंसर कर दिया, ठीक है। आनंदराज आपने आंसर किया 2 टू द पावर p प्लस q, जो कि गलत है। आर्सलन का आंसर सही है, सलोनी का आंसर सही है, ठीक है। तो गाइस 2 टू द पावर क्या हो जाएगा? सिंपली pq होगा, जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 2 के पावर में आ जाए, राइट। तो ये हमारा सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट हो गया। फिर आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, समझ रहे हो ना, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। सर हमेशा 2 ही क्यों रहेगा? हमेशा 2 ही क्यों रहेगा? ये मैंने वैसे लॉजिक आपको पिछले उस टाइम पे बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। वैसे देखो सर, कल का क्लास नहीं कर पाए थे नेटवर्क इशू के चलते, कल हमने मैथ्स पढ़ाया नहीं था। तो बता दो, मैं एक बार किससे पूछूं अभी, सलोनी क्या बता सकते हो कि इसके अंदर कितने सबसेट्स होंगे? सलोनी को पूछा, सलोनी गायब। दीक्षा इसके अंदर कितने सबसेट्स होंगे? 4, राइट। राशि वो बताना कौन से सबसेट्स होंगे? नल सेट 1, 2 and एक आएगा null set, एक आएगा 1, एक आएगा 2 और एक आएगा 1, 2, right? अब देखो ये subsets बनाने के time पे, जो अब इसके जैसे कि हमें पता है कि 2 power 2, तो ये 2 base में 2 कैसे आया?
ये टू तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। तो देखो क्या होता है कि ये सबसे बनाने में, अब देखो क्या किया हमने, ये सबसे बनाने में ना ही हमने वन यूज किया ना ही हमने टू यूज किया। ये सबसे बनाने में क्या किया हमने, वन को यूज किया टू को यूज नहीं किया। इस वाले सबसेट के केस में वन यूज नहीं हुआ टू यूज हुआ, एंड फाइनली ये वाला सबसेट में वन को भी यूज करना पड़ा टू को भी यूज करना पड़ा। तो क्या ये चीज तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यार सबसेट बनाने में हमको वन का भी, मतलब सबसेट बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन चल रहा है। और किस चीज का सिलेक्शन चल रहा है, इसको लेंगे, इस एलिमेंट को उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, है कि नहीं। कोई भी सबसेट बनाने, आप जैसे सबसेट बना रहे हो तो आपके दिमाग में यही आया ना, अच्छा एक काम करते पहले वाले में दोनों एलिमेंट को नहीं उठाते, इन दोनों के लिए एक एलिमेंट को उठाते दूसरे को छोड़ते और लास्ट वाले के लिए दोनों एलिमेंट को उठाते। तो देखिए अगर मैं बात करूं वन का, तो वन हमारा एक एलिमेंट है, टू हमारा दूसरा एलिमेंट है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि वन, इस वन एलिमेंट के साथ डील करने के कितने तरीके हैं, वन के साथ डील करने के कितने तरीके हैं, तो द आंसर विल बी टू वेज। टू वेज कैसे, या तो वन को पिक करोगे या वन को पिक नहीं करोगे। तो देयर आर टू वेज ऑफ डीलिंग विद दिस एलिमेंट वन। सिमिलरली देयर आर टू वेज ऑफ डीलिंग, क्लियर हो गया सर, दिस एलिमेंट टू। तो क्योंकि अब हमको दोनों के साथ डील करना है ना एक के बाद एक, तो जब हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं जहां पे एक के बाद हम एलिमेंट्स को एक के बाद ऑपरेशन, एक के बाद एक अगला ऑपरेशन कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो 2 × 2 हो गया 4। एक सिंपल सा एक और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए और आगे डाउट ना आए, क्योंकि ये वाली चीज थोड़ा सा शायद भूल जाओ मल्टीप्लिकेशन क्यों किया गया। तो सिंपल से एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मान लीजिए कि मेरे पास 3 t-shirts है और 2 trousers है, ठीक है, या 2 jeans है, ठीक है। अब मैं अगर आपको पूछूं कि कितने नंबर ऑफ वेज में मैं एक टी-शर्ट पहन सकता हूँ और एक जीन्स पहन सकता हूँ, क्या होगा आपका आंसर, 5 होगा या 6 होगा। आप पहन सकते हैं सर। हाँ आपका बात नहीं, नहीं देखो सिंपल सा है कि 3 t-shirts है मेरे पास, 2 trousers है, मैं एक ही टी शर्ट पहनूंगा एक ही जीन्स पहनूंगा, ऐसा नहीं कि मैं पागल हो गया हूँ टी-शर्ट पहन लिया और दोनों जीन्स पहन लिया, ठीक है। ट्राउजर होगा तो जीन्स कैसे पहनेंगे यार, देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है, जीन्स है टी-शर्ट है, ठीक है, 2 jeans है, 3 t-shirts है, 1 jeans और 1 t-shirt पहनने की कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं इन केस में, ये चॉइस है बताओ। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। तो आपके पास 3 t-shirts है, T1, T2, T3 और आपके पास 2 jeans है, J1, J2। आप कितने नंबर ऑफ वेज में इनमें से एक टी-शर्ट एंड एक जीन्स पहन सकते हैं। यश, राशि, आनंद, यश, यश अगेन, यश यार आपका आंसर देख लिया था मैंने, मैं जानबूझ के हाँ ना नहीं करना चाहता। 6 ओके okay. क्या लॉजिक है बताओ, आर्सेनल एंड 2 कैसे यार, मेरे पास 3 t-shirts है, अलग अलग करके पहनूंगा, मान लो आज ये कलर का पहना, कल ब्लैक कलर का पहनूंगा, उसके अगले दिन व्हाइट कलर का पहनूंगा, तीन तो ऐसे T1 T2 सर, T1 T2 T3 और J1 J2 बनाया तो उससे कर लिया है, T1 J1 ये कहीं ना कहीं पार्टीशन प्रोडक्ट दिख रहा है कि नहीं, यस सर है कि नहीं, T1 J1 एक पॉसिबिलिटी हो सकता था, राइट, आपने टी-शर्ट नंबर 1 जींस नंबर 1 पहने, या फिर आपने टी-शर्ट नंबर 1 उठाया लेकिन उसके साथ जींस नंबर 2 उठाया, तो ऐसे T1 J1 T1 J2 आया, ठीक उसी तरीके से इसके भी 2 cases, इसके भी 2 cases, तो टोटल कितने होगा, 6 cases। अच्छा चलो नहीं, ये क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास 3 t-shirts है और 2 jeans है तो हम कितने नंबर ऑफ वेज में एक टी-शर्ट एंड एक जींस को पहन सकते हैं, रवि गलत है। सो अब सर एक दिन पहनने के लिए पैंट रहेगा नहीं तो पहनेगा क्या, देखो इफ एंड बट्स, ठीक है, हम यहाँ पे यूज नहीं करते, प्लेन एंड सिंपल है। अभी मेरे पास यहाँ
नया नया टी शर्ट टाइप के ले आता हूँ, जींस टाइप के ले आऊंगा अगली क्लास में और पूछूंगा, ठीक है? कितने नंबर ऑफ एज में आप हीरो बन सकते हो? सो T1 J1 पहला एक सिलेक्शन हो जाता, T1 J2 दूसरा सिलेक्शन होता, सिमिलरली T2 J1 तीसरा हो सकता था, T2 J2 चौथा हो सकता था, फिर इस सेम यहाँ पे T3 J1 T3 J2 तो T3 J1 हमारा फिफ्थ सिलेक्शन एंड T3 J2 हमारा सिक्स्थ सिलेक्शन। तो ये छह तरीके से हम एक टी शर्ट एंड एक जींस पहन सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या है कि हमने मल्टीप्लिकेशन किया, जब भी हम एक ऑपरेशन, अब देखो इसका शॉर्ट में इतना लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ता, इसका शॉर्ट में जो पीएनसी में हम समझाते हैं ना, इसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जहां पे मेरा काम क्या है, मेरा काम है तीन टी शर्ट में से एक टी शर्ट को उठाना, दो जीन्स में से एक जीन्स को उठाना, मेरे पास तीन टी शर्ट थे तो उनमें से एक टी शर्ट को उठाने के कितने तरीके हो सकते थे, थ्री वे, क्योंकि तीन अलग अलग मेरे पास चॉइसेस थे। सिमिलरली जीन्स के केस में मेरे पास दो अलग अलग चॉइसेस थे। अब क्योंकि मैं जीन्स भी पहनूंगा एंड टी शर्ट भी पहनूंगा, क्योंकि मुझे दोनों ऑपरेशन करना है, और जब मुझे दोनों ऑपरेशन करना होता है तो मैं नंबर ऑफ वेज के बीच में मल्टीप्लीकेशन करा देता हूँ, वो मुझे फाइनल नंबर ऑफ वेज देता है। इसलिए यहाँ पे सिंपल तरीके से 3 × 2 हो जाता 6 नंबर ऑफ वेज, ठीक है? तो इस तरीके से केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पीएमसी में आप पढ़ोगे। सिंपल जो बेसिक अभी जानना है कि अच्छा यहाँ पे मेरे को दो ऑपरेशन करना है, एक ऑपरेशन है जीन्स सिलेक्शन का, दूसरा ऑपरेशन है टी शर्ट सिलेक्शन का, तो दो तरीके इसके, तीन तरीके इसके। अब क्योंकि मुझे एक ही बात है, दोनों करना है, राइट, वन आफ्टर अनादर, तो जब ये वन आफ्टर अनादर होता है तो मैं मल्टीप्लीकेशन यूज करके टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल देता हूँ, ठीक है? आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन होंगे, बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया गाइस, ठीक है? फिर क्लास को अभी यहां पे एंड करेंगे, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, ठीक है? अब देखिए इनवर्स ऑफ अ रिलेशन में क्या है, प्री सेशन को लीव मत करना, एकदम शॉर्ट सिंपल क्या है देख लेते हैं। एक सिंपल आर, अब तो आपको पता भी चल गया होगा आगे क्या लिखूंगा, x, y, जहां पे x बिलोंग करेगा a में, y बिलोंग करेगा b में, और x कुछ रिलेशंस के साथ y पे रिलेटेड होगा, राइट? अब जो इनवर्स होता है ना गाइस, इनवर्स मतलब तो आप समझते ही हो, मैथमेटिकल इनवर्स, जैसे कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होता है, ठीक इसी तरीके से किसी रिलेशन का जो इनवर्स होता है उसको बस रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, दैट इज r के ऊपर हम एक छोटा सा माइनस वन, खुद को समझाने के लिए कह सकते हो कि r के ऊपर मैंने पावर लगाया माइनस वन का, यस आनंद वो है, ठीक है? तो r टू द पावर माइनस वन जो है ना, ये सिंपल सा आपको ये समझना है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इनवर्स लिख रहे हैं r रिलेशन का, ठीक है? r रिलेशन का हम इनवर्स लिख रहे हैं, और इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा, देखो r अल्टीमेटली एक इनवर्स का, एक रिलेशन का इनवर्स कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी हमको कुछ ऑर्डर पे मिलेगा। अब वो ऑर्डर पे किस फॉर्म में होगा गाइस, इनवर्स का मतलब उल्टा कर देना होता है, राइट? तो यहाँ पे भी x कॉमा y को उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा, y कॉमा x, ठीक है? अब इसमें क्या सीन रहेगा, y बिलोंग करेगा अभी भी b में, x बिलोंग करेगा अभी भी a में, बट अब इनका रिलेशन अपोजिट हो जाएगा। मान लो जैसे क्यूब होता था तो ये क्यूब रूट वाला सीन होता, समझ में आ रही है बात? तो अगर कोई भी रिलेशन ऐसे r दिया हुआ है और मैं आपको r इनवर्स पूछूंगा तो आपको क्या करना है, सीधा उसका इनवर्स मतलब कि उल्टा कर देना सारे ऑर्डर पेयर्स को, ठीक है? जैसे एक सिंपल यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, मान लीजिए कोई एक रिलेशन है 1, 2, 3, कुछ एक रूल से रिलेटेड है, तो मैं इसका कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं सर? हाँ, इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस पे थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, लाइक इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं रहेगा, ऑब्वियसली थोड़े मुश्किल क्वेश्चन लाएंगे, बट अगेन कॉन्सेप्ट यही यूज होगा। कहीं पे आर लिखा हुआ था, आर डिफाइन किया हुआ था, ठीक है, कुछ मैथमेटिकल अलग मान ज्योमेट्रिकल चीजें डाली हुई है, और वहां पे आपको आर इनवर्स पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, कि जो भी रिलेशन दिया हुआ था उस रिलेशन को हमको उल्टा कर देना, ठीक है? कुछ क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बट फिलहाल रिप्रेजेंटेशन क्या है ये दिमाग में क्लियर, ठीक है गाइस?
तो ये एक सिंपल सा रिलेशन होगा, तो उसका इनवर्स में y, x वाले फॉर्म के एलिमेंट्स हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको बोर्ड पे 1, 2, 3, 4, तो इसका r इनवर्स क्या होगा, प्लेन एंड सिंपल इसको उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया, 1, 2 बनेगा 2, 1, 3, 4 बनेगा 4, 3। आई होप ये चीज क्लियर होगा गाइस। अब देखो इसका डोमेन रेंज की भी बात कर लेते हैं। इसका डोमेन, जैसे डोमेन ऑफ आर, पहला वाला रिलेशन का जो डोमेन होगा आपको यहाँ पे किसी तरह एक्ट करेगा, इसका जो पहला एलिमेंट है वो आर इनवर्स में दूसरा एलिमेंट बन गया, तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स, है कि नहीं? डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। एंड सिमिलरली जो आर का रेंज था वो आर इनवर्स के लिए क्या बन गया, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। आदर्श ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जहां तक मुझे पता है 27 जुलाई से हरियाणा में शायद स्कूल वगैरह खुल रहे हैं, और बहुत जगहों पे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स वगैरह एंड प्राइवेट कोचिंग के जो फैकल्टीज वगैरह है उन्होंने थोड़ा सा हड़ताल करना शुरू कर दिया, ठीक है, प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो लाइक अभी जो लॉकडाउन का सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, लॉकडाउन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बट सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुए हैं इसमें वो हुए हैं प्राइवेट स्कूल के एम्प्लॉयज, उनके टीचर्स एंड प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि वहाँ पे बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो पेमेंट की बहुत इश्यू हो रही है, और साथ ही साथ लाइक कॉलेज वगैरह हो गया है जो भी, वो उस हिसाब से लोगों को पेमेंट नहीं दे पा रहे, और गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे तो पेमेंट जा रही है प्रॉपर टाइम पे नहीं भी जा रही है, बट कुछ डिडक्शन नहीं हो रहा, उनको पूरा पैसा मिल रहा, बट प्राइवेट जगहों पे थोड़ा सा डिडक्शन वगैरह हो रहा है, तो जिसके कारण अब ये चीज इतनी लंबी हो गई है ना, और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, तो लोग हड़ताल पे आ चुके हैं, दिल्ली वगैरह में हो रहा है, तो उसको देखते हुए शायद सरकार थोड़ा सा जागरूक हो जाए और लॉकडाउन होपफुली मतलब ऑफलाइन क्लासेस हमारी अगस्त से शुरू हो जाए। जो चीज हमारे लिए नेगेटिव हुआ वो ये था कि जेई मेंस जो इस जुलाई के एंड में होने वाला था उसको कर दिया गया है सितंबर में, तो जेई मेंस, नीट एंड जेई एडवांस सबको सितंबर में कर दिया, ये भी हमारे लिए थोड़ा सा डर का सिनेरियो है कि शायद अगस्त करते करते वो सितंबर तक हमें वो ना करे। सर वो तो अच्छा है ना, ज्यादा टाइम मिलेगा किस चीज के लिए, पढ़ने के लिए। हाँ, लेकिन आपका भी तो लॉस हो रहा है ना, वो तो उनके लिए फायदा है जो जेई नीट देना है। हाँ भाई, ओके, वही लोग उसमें से बहुत सारे ड्रॉप देंगे और अगले साल आपके साथ फाइट करेंगे। यशराज कह रहा है गवर्नमेंट जॉब डिडक्शन हुआ है, यार यशराज गवर्नमेंट के बारे में कुछ मत बोलो, ठीक है, कॉमन मैन के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। ओके, सो गाइस सेशन को यहीं एंड